युवा जागृति संस्थान बानसूर की ओर से सोन चिरैया मेरी बिटिया अभियान का शुभारंभ किया गया है। महिला अधिकारिता विभाग अलवर के उपनिदेशक ऋषिराज सिंगल और उदयनाथ धाम के फूलचंद महाराज के कर कमलों से लकड़ी के घोंसले लगाकर किया गया। उपनिदेशक ऋषिराज सिंघल ने अभियान की प्रशंसा की और कहा कि यह कार्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ साथ पर्यावरण व पक्षी संरक्षण हेतु एक सराहनीय प्रयास है। हमारे पर्यावरण में पक्षियों की संख्या लगातार रूप से घटती जा रही है, जो चिंता का विषय है। इसलिए सभी को मिलकर यह संकल्प लेना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए पक्षियों के लिए घोंसले, परिंदे और खाने के लिए दाने की व्यवस्था करेंगे। सोन चिरैया मेरी बिटिया अभियान के तहत बानसूर में युवा जागृति संस्थान अध्यक्ष कुंदन लाल शर्मा द्वारा वरिष्ठ अध्यापक बानसूर सतीश कुमार सिरोहीवाल व सुभाष मीना को बर्ड हाउस दिए गए। आज थानागाजी के इस पाक और पवित्र उदयनाथ धाम पर सोन चिड़िया मेरी बिटिया अभियान का आगाज युवा जागृति संस्थान की ओर से किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य यही है कि पर्यावरण के प्रति हम सब जागरूक हों, पशु पक्षियों के प्रति हम मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं और साथ ही हमारी बेटियों के प्रति भी समाज में एक सकारात्मक वातावरण बने। इसी कड़ी में आज महाराज साहब का हम सब ने यहाँ आशीर्वाद लिया है और प्रकृति का जो सुरम्य वातावरण यहाँ हम सबको देखने को मिलता है वो बरबस ही हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। और यहाँ पर बरगद के जो पेड़ लगे हुए हैं वो भी बेटियों के नाम से युवा जागृति संस्थान ने पहले भी लगाए हैं। मैं आप सभी से इस संस्थान की ओर से अपील करता हूँ कि आप प्रकृति के प्रति अपना सकारात्मक वातावरण रखें।